नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। हम लेकर आए हैं कुछ जबरदस्त सस्पेंस, क्राइम मिस्ट्री और थ्रिलर मूवीज। इन सभी मूवीज की स्टोरीलाइन और स्क्रीन प्ले इतना अच्छा है कि आपको आखिर तक देखने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन सी है आज की मूवीज। लेकिन उससे पहले, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली मूवी है 2022 की एक ड्रामा थ्रिलर, डी टीचर। इस फिल्म में हमें अमाला पॉल, हकीम शाह और अन्य कलाकार देखने को मिलते हैं। कहानी देविका नाम की एक स्पोर्ट्स टीचर की है, जो शादीशुदा है और अपने पति के साथ बहुत ही खुशहाल जीवन जी रही है। देविका और उसका पति पिछले 4 सालों से बच्चे की खुशी का इंतजार कर रहे हैं। अब देविका को जैसे ही पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, तो वह अचानक से ही चौंक जाती है, क्योंकि उसे लगता कि यह बच्चा उसके पति का नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि स्कूल में किसी ने नशीली दवाई देकर उसके साथ यह गलत काम किया है। अब आखिर स्कूल में ऐसा काम करने वाले लोग कौन हैं? क्या देविका उन लोगों से बदला ले पाएगी या नहीं? यही सब आपको बहुत ही थ्रिलिंग तरीके से दिखाया गया है, जो कि काफी जबरदस्त है। इस मूवी को देखने का आपको एक रीजन दूं तो वह है इस फिल्म का क्लाइमैक्स। मतलब कि इस मूवी का क्लाइमैक्स आपको ताली बजाने पर मजबूर कर देगा। अमाला पॉल ने अपना कैरेक्टर बेहद ही बखूबी से निभाया है। मूवी को आप हिंदी में देख सकते हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.6/10 की रेटिंग मिली HUI है। नंबर 7 पर है 2023 की एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी कोलाई। फिल्म की कास्ट में हमें विजय एंटोनी, मीनाक्षी चौधरी और अन्य कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी एक बेहद ही फेमस मॉडल के इर्द-गिर्द घूमती है कि जिसकी अचानक से ही मिस्टीरियस तरीके से हत्या कर दी जाती है। अब विजय एंटोनी, जिन्होंने इस फिल्म में डिटेक्टिव का रोल प्ले किया है, उस हत्यारे को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। आखिर असली हत्यारा कौन है और विजय एंटोनी आखिर तक उसे पकड़ने में कामयाब रहते हैं या नहीं, यह सब आप फिल्म देखकर जान सकते हैं। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले, नरेशन और स्टोरी टेलिंग काफी जबरदस्त है। फिल्म के सस्पेंस और थ्रिलिंग जेनर पर भी काफी अच्छा ध्यान दिया गया है, जिसकी वजह से आपको फिल्म में कई सारे सस्पेंस और थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छी मूवी है, जिसे आप हिंदी में देख सकते हैं। इस मूवी को IMDb पर 5.2/10 की रेटिंग मिली है। नंबर 6 पर है 2023 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी 1920 हॉरर, ऑफ द हर्ट्स। फिल्म में हमें अविका गौर, राहुल देव और अन्य कलाकार देखने को मिलते हैं। कहानी मेघना नाम की लड़की की है, जिसे अपने 21वें जन्मदिन पर खबर मिलती है कि उसके पिता ने आत्महत्या कर ली है। उसे लगता है कि उसके पिता ने आत्महत्या उसकी माँ की वजह से की है, जो उसे और उसके पिता को छोड़कर चली गई थी। इस वजह से मेघना अपनी माँ से अपने पिता का बदला लेने के लिए निकल पड़ती है। दोस्तों, मैं यह तो नहीं कहूंगी कि यह मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है। इनकी कहानी कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन फिल्म में जो हॉरर मूवमेंट्स हैं वो शायद आपको पसंद आ सकते हैं, तो इस मूवी को आप एक ट्राई जरूर दे सकते हैं। IMDb पर इस मूवी को कुछ खास रेटिंग नहीं मिली है। नंबर 5 पर है 2015 की एक क्राइम थ्रिलर मूवी, म्यूड्स ऑफ क्राइम। फिल्म की कास्ट में हमें अयाज अहमद, अनीमा और अन्य कलाकार देखने को मिलते हैं। कहानी में साइकोलॉजी के 2 स्टूडेंट्स यह जानने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आखिर क्राइम करने के बाद दिमाग में कौन कौन सी चीजें चलती हैं और एक असली अपराधी को कैसा महसूस होता है। अब इसी अनुभव को करने के लिए यह दोनों स्टूडेंट्स चोरी से लेकर मर्डर तक का क्राइम कर बैठते हैं। इस क्राइम के बाद इनके ऊपर कौन कौन सी मुसीबतें आती हैं, कहानी में कौन से टर्न्स और ट्विस्ट्स आते हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। 2 ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मजाक मजाक में ही चोरी से लेकर हत्या तक का क्राइम कर दिया है, अब ऐसे में उनका अंजाम क्या होता है, यही सब आपको फिल्म में दिखाया गया है। शॉर्ट में कहूं तो ये मूवी आपको कई सारे सस्पेंस और थ्रिलिंग मोमेंट्स देने वाली है। तो अगर आपने इस मूवी को अब तक मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देखें। IMDb पर इस मूवी को 6.6/10 की रेटिंग मिली है। नंबर 4 पर है 2022 की एक थ्रिलर मूवी, पाड़ा। फिल्म के लीड रोल में हमें जोजू जॉर्ज, कुंचू बोबन और कनी जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं।
इस फिल्म की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जहां पर एक कलेक्टर आदिवासियों को उनका अधिकार नहीं दे रहा है। यह सब देखकर चार मामूली लोग इस कलेक्टर के कार्यालय में घुसकर कलेक्टर को बंदी बना लेते हैं और गवर्न से अलग अलग डिमांड करते हैं। दोस्तों, आखिर में होता है इन चार लोगों के साथ क्या होता है और गवर्नमेंट इन लोगों पर कैसे रिएक्ट करती है, यही सब आपको फिल्म में देखना होगा। इस फिल्म की कहानी बहुत ही रियलिस्टिक लगती है। फिल्म के सभी कैरेक्टर्स की नेचुरल एक्टिंग और शानदार स्क्रीन प्ले की वजह से यह मूवी देखने लायक बनती है। यह मूवी आपको शुरुआत से ही अपने साथ बांधे रखती है। IMDb पर इस मूवी को 7/8 out of 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 3 पर है 2019 की एक क्राइम थ्रिलर मूवी कोच समक श्याम बलान वकील। इस फिल्म में हमें नेहा प्रिया आनंद और दिलीप जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। कहानी में बालकृष्णन, जो कि एक लॉयर है, हालांकि वह अपनी हकलाहट की वजह से अपने करियर में सफल नहीं हो पा रहा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बालकृष्णन को एक बेहद ही जटिल मामला सौंपा जाता है। तो आखिर यह जटिल मामला क्या है और क्या बालकृष्णन इसे सुलझा पाता है, यही सब जानने के लिए आपको यह फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म में कई सारे सस्पेंस और थ्रिलिंग मोमेंट्स हैं जो आपको बांधे रखेंगे। हकलाहट की आदत के साथ इस केस को सॉल्व करने में कामयाब रहेगा या नहीं, यह सब जानने के लिए आपको यह फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म में आपको क्राइम और थ्रिलर के साथ साथ कोर्टरूम ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर आप एक अच्छी मूवी देखना चाहते हैं जिसमें क्राइम, ड्रामा और थ्रिलर सब कुछ हो, तो यह फिल्म आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। IMDb पर इस मूवी को 5/8 out of 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 2 पर है 2019 की एक एक्शन थ्रिलर मूवी ठग्स। इसमें हमें बॉबी सिन्हा, अनश्वर राजन और अन्य कलाकार देखने को मिलते हैं। कहानी एक जेल में शुरू होती है, जहां कुछ गैंगस्टर जेल तोड़कर वहां से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या ये लोग जेल तोड़कर भागने में कामयाब होंगे या नहीं, और इनकी किस्मत में क्या लिखा है, ये सब देखना काफी लाजवाब होगा। दोस्तों, ये एक अंडररेटेड मूवी है, जिसकी वजह से इसे काफी कम लोगों ने देखा हुआ है, लेकिन पर्सनली मुझे ये मूवी काफी पसंद आई थी। अगर आप एक प्योर मास्टरपीस देखना चाहते हैं तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। फिल्म आपको हिंदी में ही उपलब्ध है। नंबर 1 पर है मंगलवाराम। मंगलवार को किसी ना किसी की मौत हो रही है, खासकर प्रेमी जोड़ों की। तो आखिर यह हत्याएं कौन कर रहा है, इस गांव का रहस्य क्या है, और आखिर यह मंगलवार की मिस्ट्री कैसे सॉल्व होती है या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने पर मिलेंगे। फिल्म के फर्स्ट हाफ में आपको काफी अच्छा ड्रामा दिखाया गया है और सेकेंड हाफ में आते आते फिल्म में कई सारे सस्पेंस और थ्रिलिंग मूवमेंट देखने को मिलते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी अच्छा है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। इस मूवी को आप हिंदी में देख सकते हैं और IMDb पर इस मूवी को 6.7/10 की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।